हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है? आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 16 का वीडियो नंबर फर्स्ट। तो बेटे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का यूनिट नंबर 16। और बेटे इससे पहले 15 यूनिट आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 16 तक सभी यूनिट्स को पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे? तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमारे पास है यूनिट नंबर 16, और यूनिट नंबर 16 को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और यूनिट नंबर 16 का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। तो आज हमें बात करनी है कि हमारे दैनिक जीवन में रसायन की क्या भूमिका है। ठीक है बेटे? तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें यूनिट नंबर 16 को स्टार्ट करना है, और आज का हमारा मेन फोकस है औषधि या ड्रग। यूनिट नंबर 16 में हम पढ़ते हैं कि विज्ञान का, रासायनिक विज्ञान का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या भूमिका है, हम रासायनिक विज्ञान को दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटे? और आज का हमारा यूनिट नंबर 16 का पहला टारगेट है औषधि या ड्रग। तो आज हम समझेंगे कि औषधि या ड्रग का क्या मतलब होता है, और कुछ मुख्य औषधियां हमारे शरीर पर किस प्रकार काम करती हैं। ठीक है बेटे? तो देखते हैं औषधि या ड्रग का क्या मतलब होता है। देखो बेटे, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के उपचार के लिए किया जाता है औषधि अथवा ड्रग कहलाती हैं। तो वे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हम करते हैं, बहुत सारे बीमारियों के इलाज के लिए हम करते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं? औषधि या ड्रग कहते हैं। ठीक है? तो आप कहलाती हैं या कहलाते हैं ऐसे भी लिख सकते हो, औषधि या ड्रग कहलाते हैं। तो आपको ये बात तो सारे बच्चों को पता ही है कि औषधि या ड्रग का क्या मतलब होता है, ये तो पता ही है आपको। पर हमारा जो मेन अटेंशन आज रहेगा वो रहेगा औषधियों के विभिन्न वर्ग। तो औषधियों के विभिन्न वर्ग में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो है बेटे प्रति अम्ल। ध्यान से देखो, प्रति अम्ल, या आप कह सकते हो एंटासिड, नाम से ही पता चल रहा है प्रति अम्ल का मतलब जो हमारे पेट की, हमारे आमाशय की अम्लीयता को दूर करने का काम करती हो, ऐसी औषधि, ऐसी मेडिसिन, ऐसी ड्रग। देखो जीव विज्ञान में आप पढ़ते हो कि मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें एक होती है आहार नाल। आहार नाल का मतलब भोजन की नली, और भोजन की नली में सबसे ऊपर क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद क्या है बेटे? ग्रसनी। फिर ग्रास नली है। फिर ग्रास नली के बाद क्या है? आमाशय। आमाशय के बाद क्या है? ग्रहणी। ग्रहणी के बाद है छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और फिर मल द्वार। तो इन सारे हिस्सों को कुल मिलाकर हम कहते हैं आहार नाल। ठीक है? तो आहार नाल में एक मुख्य हिस्सा होता है, एक मुख्य पार्ट होता है आमाशय। और आपको पता है कि आमाशय की दीवारों में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें आप कहते हो जठर ग्रंथियां। क्या कहते हैं बेटे? जठर ग्रंथियां। और आपको पता है जठर ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार का रस निकलता है। जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है बेटे? एक विशेष प्रकार का रस, और उस रस को हम कहते हैं जठर रस। क्या कहते हैं बेटे? उस रस को हम कहते हैं जठर रस। अब आपको एक बात समझनी है कि ये जो जठर रस होता है ना, इस जठर रस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। पर बेटे
उन बहुत सारे एंजाइमों के अतिरिक्त जठर रस में एक महत्वपूर्ण चीज होती है, और वो महत्वपूर्ण चीज होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। तो HCl हमारे आमाशय की, हमारे पेट की दीवारों में उपस्थित जठर ग्रंथियों से निकलने वाले जठर रस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है बेटे, तो वो जो HCl हमारे पेट की दीवारों से निकलता है, उसका आखिरकार काम क्या है, वो क्या काम करता है? उसका काम भोजन को अम्लीय बनाना है, जिससे भोजन पचने में सरल हो जाए, अर्थात उसे सरलता से पचाया जा सके। तो HCl का काम है भोजन को अम्लीय बनाना, यानी उसे इजी टू डाइजेस्ट बनाना। पर यहाँ एक समस्या आती है, यदि आप जरूरत से ज्यादा भोजन करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पार्टी में गए, किसी शादी में गए या किसी भी प्रोग्राम में गए, और वहां आपने जरूरत से ज्यादा भोजन कर लिया है, आपने बहुत ज्यादा खा लिया है, तो यदि आप जरूरत से ज्यादा भोजन करते हो तो आपके आमाशय में जो दीवारों में उपस्थित जठर ग्रंथियां हैं, उन जठर ग्रंथियों को एहसास होता है कि आज भोजन कुछ आवश्यकता से अधिक है, यानी उसे पचाने के लिए आवश्यकता से अधिक HCl हमें निकालना पड़ेगा, ऐसा महसूस होता है जठर ग्रंथियों को, जिसके कारण जठर ग्रंथियां आवश्यकता से अधिक HCl को निकालती हैं, जठर रस को निकालती हैं। और जब HCl जरूरत से ज्यादा हमारे पेट में, हमारे आमाशय में निकल जाता है, तो एक प्रकार की जलन उत्पन्न होती है, और उस जलन को हम कहते हैं अम्लता या एसिडिटी। क्या कहते हैं बेटे, अम्लता कह दो या एसिडिटी कह दो, हमें केवल उतने HCl की आवश्यकता होती है जो हमारे भोजन को पचा सके या डाइजेस्ट कर सके। पर यदि जरूरत से ज्यादा HCl हमारी जठर ग्रंथियों द्वारा निकाल दिया जाएगा, तो क्या होगा बेटे, वो जरूरत से ज्यादा HCl एक एसिड ही तो है, सबको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक प्रबल अम्ल है, वो हमारे पेट के अंदर एक जलन उत्पन्न करेगा, और उस जलन को ही हम कहते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी होने के दो कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि या तो आप जरूरत से ज्यादा भोजन कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, अर्थात आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, करना ना धरना, बस भरना ही भरना, या तो कारण होता है ये कि आप बहुत ज्यादा खाते हो तो एसिडिटी होगी, पक्की बात है, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाते हो तो एसिडिटी होगी, पक्की बात है, अम्लीयता से आप पीड़ित होंगे, पक्की बात है। दूसरा रीजन ये होता है कि हमारा जो स्टोमक होता है, हमारा जो पेट होता है, जो हमारा आमाशय है, उसे एक आदत पड़ी होती है, वो हैबिचुअल होता है, उसे पता होता है कि सुबह को इस समय मेरे पास नाश्ता आएगा, दोपहर को इस समय मेरे पास लंच आएगा, और रात को इस समय मेरे पास डिनर आएगा। तो उसे एक तरह का हैबिट पड़ जाता है कि इस समय नाश्ता है यानी ब्रेकफास्ट, इस समय लंच है और इस समय डिनर है। तो जो हमारी जठर ग्रंथियां हैं, वे भी एक तरह की हैबिचुअल हो जाती हैं कि इस समय हमें जठर रस स्रावित करना है। तो दूसरा रीजन क्या है, सुनो ध्यान से, यदि ऐसा होता है कि आप एक दिन अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग भोजन नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुबह उठे आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, आपने दोपहर को लंच नहीं किया है, आपने रात को डिनर नहीं किया है, या तो आप समय पर भोजन नहीं ले रहे हो, और या फिर आपका भोजन लेने का रूटीन, आपका सिस्टम बिगड़ गया है, तो इसका मतलब सुबह को आपका ब्रेकफास्ट आपके आमाशय में पहुंचना चाहिए था पर वो नहीं पहुंचा है, पर हमारी आमाशय की दीवारों में उपस्थित जठर ग्रंथियों को एक आदत पड़ी हुई है HCl को सिक्रीट करने की, तो वे अपने निश्चित समय पर शायद HCl को सिक्रीट कर दें, और यदि वे HCl को सिक्रीट करेंगी तो हमारे पेट में, हमारे आमाशय में खाना तो है ही नहीं, और जब खाना वहां नहीं है पर जठर ग्रंथियों से जठर रस निकल चुका है, अर्थात HCl भी निकल चुका है, तो वो HCl किस भोजन को अम्लीय करेगा, किस भोजन को पचाने के लिए तैयार करेगा, वहां तो भोजन है ही नहीं और HCl वहां निकल चुका है, तो क्या होगा बेटे, ऐसी स्थिति में आपके पेट में फिर दोबारे से एसिडिटी होगी और जलन होगी। तो ऐसे समय पे भी आपको कुछ विशेष प्रकार की मेडिसिन यूज करनी होगी। तो हमें पता चला है
कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे आमाशय में पहुंचता है और आमाशय की दीवारों में होती हैं जठर ग्रंथियां, और जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, और जठर रस में होता है HCl, और HCl यदि जरूरत से ज्यादा निकलेगा तो पेट में एक जलन पैदा करेगा, और उस जलन का नाम क्या होता है? एसिडिटी या अम्लता। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रति अम्ल की। ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवाइयां, ऐसी ड्रग्स जो एसिडिटी के दर्द को, जलन को समाप्त करती हूं। तो यहाँ लिखा है कि ये का मतलब कौन? प्रति अम्ल या एंटासिड। ये आमाशय में HCl के कारण होने वाली अम्लता को नियंत्रित करती हैं। जब HCl ज्यादा निकलता है तो pH मान घटता है, आपको पता है इस चीज का। pH मान क्या होगा? घटेगा हमारे आमाशय का, आमाशय में उपस्थित मटेरियल का। और उस pH मान के जरूरत से ज्यादा घटने पर एक जलन का, एक दर्द का, एक पीड़ा का अनुभव होता है, जिसे कम करेगा कौन? प्रति अम्ल या एंटासिड। एंटासिड का काम है उस जलन को कम करना। और मुख्य एंटासिड के यहाँ एग्जाम्पल है, देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है, यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करने से भी हमें आराम मिलेगा। किसमें? एसिडिटी में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, ये तीनों जो हैं एक तरह के दुर्बल क्षारों की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है बेटे। एक है बेटे अलग तरह की औषधि, सिमेटिडीन और रेनिटिडीन। ये दोनों मेडिसिन ज्यादा अच्छी हैं इन तीनों के मुकाबले। यदि आप हाइड्रोक्साइड या बाइकार्बोनेट यूज करते हो तो भी आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी, पक्की बात है। पर यदि आप सिमेटिडीन और रेनिटिडीन यूज करते हो तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी, पर इनका मोड ऑफ एक्शन ज्यादा अच्छा है। क्यों है ज्यादा अच्छा? थोड़ा सा हिंट दूंगा, फिर हम फर्दर तो इसके बारे में बहुत डिस्कस करेंगे ही। देखो, ये जितने भी ये दोनों हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट हैं, ये सीधा अम्ल के साथ लड़ाई करते हैं, HCl के साथ, और HCl के इफेक्ट को कम करते हैं, यानी उसे उदासीन करने का प्रयास करते हैं, उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। पर यदि मैं इन दोनों मेडिसिन की बात करता हूँ, सिमेटिडीन और रेनिटिडीन की, तो इन दोनों औषधियों के अंदर एक खासियत है कि ये HCl के साथ फाइट नहीं करती हैं, ये प्रभाव डालती हैं उस कारण पर जिस कारण से HCl निकलता है। ठीक है बेटे। जो कारण है HCl निकलने का, उस कारण के ऊपर प्रभाव डालती हैं ये दोनों मेडिसिन, यानी कि ये प्रभावित करती हैं उस कारण को जिसके कारण HCl निकलता है जठर ग्रंथियों से। तो यदि ये कारण के ऊपर ही अटैक करेंगी तो जठर ग्रंथियों से HCl ही नहीं निकलेगा, और यदि HCl नहीं निकलेगा तो एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इसलिए ये ज्यादा अच्छी मेडिसिन हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं मार्केट में, पर हमारे सिलेबस में ये हैं, आप इन्हें याद रखोगे। उसके बाद नंबर दो पे आते हैं, ये तो होगी प्रति अम्ल जो पेट की अम्लीयता को समाप्त करेंगी। नंबर दो है बेटे ज्वर रोधी या एंटीपायरेटिक। ज्वर रोधी, ज्वर किसे कहते हैं बताओ? ज्वर तो टेम्परेचर को कहते हैं, बुखार को कहते हैं। तो इनका काम क्या है? ज्वर रोधी औषधियों का काम क्या होगा आपके हिसाब से? इनका काम होगा बुखार को कम करना, अर्थात टेम्परेचर को नियंत्रित करना, ताप को नियंत्रित करना शरीर के। तो इनका काम होता है, देखो, ये शरीर के ताप को नियंत्रित करती हैं। कौन कौन सी औषधियां याद रखनी है? एक तो पैरासीटामोल, एक एस्पिरिन और एक फिनेसिटीन। ये तीन औषधियों के नाम आपको याद रखने हैं। इस चैप्टर में, इस यूनिट में बेटे समझने का काम थोड़ा कम है और याद करने का काम थोड़ा ज्यादा है। जैसे इन औषधियों के, इन मेडिसिन्स के नाम आपको याद रखने हैं। जैसे प्रति अम्ल में क्या याद रखना है, ये तो जरूर याद रख लेना, सिमेटिडीन और रेनिटिडीन। और ज्वर रोधी में पैरासीटामोल और एस्पिरिन जरूर याद रख लेना। और बेटे इनका स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए आता है पेपर में, इसलिए मैंने एस्पिरिन का स्ट्रक्चर भी बना दिया और पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर भी बना दिया। ये दोनों स्ट्रक्चर आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। तो ज्वर रोधी पता चल गया, इसका काम क्या है? टेम्परेचर को कंट्रोल करना, जो शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक हो जाता है, यानी 98 फॉरेनहाइट से ज्यादा हो जाता है, तो उसे नियंत्रित करती हैं ज्वर रोधी औषधियां।
अब आते हैं नंबर 3 पर, प्रति हिस्टेमिन या एंटी हिस्टेमिन। देखो मैं बताता हूं प्रति हिस्टेमिन का क्या मतलब होता है। इसे आप एंटी एलर्जिक भी कह सकते हो। अब समझ में आ गया होगा आपके, इसे क्या कह सकते हो, एंटी एलर्जिक। देखो जब भी हमारी बॉडी में एलर्जी होती है, एलर्जी बहुत तरह की हो सकती है, तो उसका रीजन होता है हिस्टेमिन निकलना। तो यदि हिस्टेमिन के खिलाफ काम करने वाला कोई साल्ट, कोई केमिकल हमें मिल जाए तो एलर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्रति हिस्टेमिन यही काम करती है, हिस्टेमिन के अगेंस्ट काम करती है, ये एलर्जी को दूर करने का कार्य करती हैं। जैसे अस्थमा, अस्थमा एक विशेष प्रकार की एलर्जी होती है, आपको पता है। इसे दमा भी आप कह सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति डस्ट में जाता है या फिर कहीं भी विशेष स्थान पर जाता है, धूल की वजह से, सर्दी की वजह से, मौसम में बदलाव की वजह से उसके गले में प्रॉब्लम होती है, उसे एक तरह का जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इसे कहते हैं अस्थमा। ये एक तरह की एलर्जी होती है, ठीक है। जो हमारी श्वास नली होती है उसका इरिटेशन उसमें होता है एक तरह का, जिससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसे कहते हैं अस्थमा। आपने देखा होगा बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें कपड़े की दुकान पर आप लेकर जाओगे तो कपड़े के अंदर से एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है, उससे ही उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है गले में। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि यदि बहुत कोई बहुत पुराना किताबों का स्टोर है, यानी कि कहीं गोदाम में हम गए और वहां बहुत सारी बुक्स हैं, तो उन बुक्स के अंदर से भी एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है, उससे भी उन्हें एलर्जी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पुष्प के पराग कण होते हैं उनसे एलर्जी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम अनाज को तैयार करते हैं मशीनों के द्वारा, यानी उसका उसे सही रूप में लाते हैं शुद्धिकरण के द्वारा, तो अनाज को तैयार करते समय जो धूल उड़ती है, जो डस्ट उड़ती है, उससे एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी यदि आपकी श्वसन नली में होती है तो इस एलर्जी को हम कहते हैं एस्थमा। तो एस्थमा यदि एलर्जी है तो कौन काम करेगा, प्रति हिस्टेमिन ही उसे देना पड़ेगा। सूजन, कहीं स्वेलिंग आ जाती है तो वो भी प्रति हिस्टेमिन से ही ठीक होगी। और खुजली, जलन, इसके अलावा भी बहुत तरह की एलर्जी होती हैं, आपको पता है। इन सभी एलर्जी को ठीक करने का काम करती है प्रति हिस्टेमिन या एंटी हिस्टेमिन, या आप इसे एंटी एलर्जिक भी कह सकते हो। कौन कौन सी है देखो, एग्जाम्पल देखो प्रति हिस्टेमिन का, ब्रोमफ्रेनिरामिन, ध्यान से पढ़ना, ब्रोमफ्रेनिरामिन। एक तो ये मेडिसिन है, इसे डाइमेटेप भी आप कह सकते हो, टर्फेनाडीन, इसे सेल्डेन भी आप कह सकते हो, सिवोरिल और हिपेरिन आदि। ये कुछ मेडिसिन हैं बेटे जो प्रति हिस्टेमिन अर्थात एंटी हिस्टेमिन की तरह काम करती हैं, जिसे आप एंटी एलर्जिक भी कह सकते हो। उसके बाद नंबर 4 पर आती है प्रशांतक, ट्रांसक्यू लिसर्स, ठीक है, प्रशांतक या ट्रांसक्यू लिसर्स। ये क्या काम करती है, तनाव, मानसिक रोग, चिंता, ठीक है, तनाव फिर दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, तनाव, क्षोभ, उत्तेजना आदि के लिए प्रयोग की जाती हैं। यानी तनाव का मतलब कोई आदमी टेंशन में है, उसे कोई टेंशन हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, सोच रहा है वो बहुत ज्यादा किसी बात के बारे में, तो भी उसे प्रशांतक औषधि देनी पड़ेगी। मानसिक रोग का मतलब दिमागी रूप से कोई बीमार है, चिंता, किसी को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चिंता कर रहा है, तनाव तो यहाँ आ ही गया था। क्षोभ का मतलब किसी को एक विशेष प्रकार का झटका लगा है, उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है तो भी, और उत्तेजना का मतलब कोई बहुत ज्यादा परेशान है, जरूरत से ज्यादा परेशान है किसी भी बात को लेकर। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें प्रशांतक औषधियों का प्रयोग करना होता है, और ये अनेक प्रकार की होती हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन अलग अलग तरह का है, जिसमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं, कुछ मुख्य औषधियां निम्नलिखित हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कौन कौन सी हैं। अभी बोर्ड पे जगह नहीं बची है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे अब हमें देखने हैं कि प्रशांतक कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे तो हमें देखना है निंद्रालु प्रशांतक, इसे खाने से हमें नींद भी आएगी। जैसे बैरोनल, नेम्ब्यूटल, ये दो मेडिसिन हैं, दोनों निंद्रालु प्रशांतक हैं। उसके बाद अनिंद्रालु प्रशांतक, इन्हें खाने से हमें नींद नहीं आएगी, नींद की प्रॉब्लम नहीं होगी।
इक्वेनिल और वैलियम। उसके बाद है बेटे शांतिकारक प्रशांतक। शांतिकारक प्रशांतक वो होते हैं जब आदमी को बहुत समस्या होती है, उसका दिमाग जो है वो स्टेबल नहीं हो पाता है और बहुत बेचैन होता है आदमी, तो उस समय उसे दी जाती है शांतिकारक प्रशांतक, जिससे वो रिलैक्स हो जाए। ये है जैसे वैलियम। वैलियम एक अनिद्रालु प्रशांतक तो है ही, पर साथ में शांतिकारक प्रशांतक भी है। जैसे वैलियम हो गया, बारब्यूरेट हो गया, बहुत सारी बारब्यूरेट औषधियां कई तरह की होती हैं, ठीक है, जैसे डाइजेपाम हो गया। तो ये तीनों मेडिसिन कैसी हैं? शांतिकारक प्रशांतक हैं, अर्थात इन्हें खाने से हमारा माइंड रिलैक्स महसूस करता है। उसके बाद है प्रति अवसाद कारक प्रशांतक। अवसाद कहते हैं डिप्रेशन को, जो डिप्रेशन के खिलाफ काम करता हो, अर्थात जिससे डिप्रेशन ठीक होता हो, उसे कहते हैं प्रति अवसाद कारक प्रशांतक। ये हैं जैसे कॉकीन और आइप्रोनाइजिड आदि। ये दोनों क्या हैं? प्रति अवसाद कारक प्रशांतक हैं। फिर एक होती है मोह निंद्रा प्रशांतक। बेटे मोह निंद्रा प्रशांतक का मतलब होता है कि ऐसा मेडिसिन, ऐसा प्रशांतक दवाई, ऐसी प्रशांतक औषधि जो एक तरह की आपके अंदर खुशी की भावना पैदा करती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूं, बिल्कुल एक अलग तरह के विचारों में व्यक्ति खो जाता है, मोह निंद्रा प्रशांतक उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीटोन, ल्यूमिनल आदि। उसके बाद एक है पागलपन प्रशांतक, जैसे एलएसडी, मेस्केलिन आदि। पागलपन प्रशांतक नाम से आपको अजीब लग रहा होगा, पर इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं, वो सोचता है कि मैं कुछ अलग हूं, उसके सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे वो ज्यादा नहीं सोच पाता है अपनी प्रॉब्लम के बारे में। तो ऐसा होता है पागलपन प्रशांतक, ठीक है। ये प्रशांतक कई प्रकार के होते हैं, यदि आप इन्हें अलग अलग याद कर सकते हो तो याद कर लेना, नहीं तो इतना जरूरी नहीं है कि इन्हें अलग अलग याद करना पड़े। कभी कभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ना, इसलिए मैंने यहाँ आपको बता दिया है। नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे पीड़ाहारी या एनल्जेसिक। पीड़ाहारी नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये दर्द के निवारण का कार्य करती हैं। और बेटे दो तरह की होती हैं, ए और बी। ए है अस्वपात पीड़ाहारी। अस्वपात पीड़ाहारी का मतलब खाने पर नींद नहीं आती है, इसे खाने पर नींद नहीं आएगी, इसकी आदत नहीं पड़ेगी। अस्वपात का मतलब जिसकी आदत ना पड़ती हो, और जिसे एक दो बार आपने खाया और उसके बाद आपको पड़ जाती है आदत, तो वो बहुत खतरनाक दवाई होती है। तो अस्वपात पीड़ाहारी का मतलब इसे खाने पर नींद नहीं आएगी और इसकी आदत भी नहीं पड़ती है। जैसे पैरासीटामोल, नाम सुनाई होगा आपने पैरासीटामोल, डाइक्लोरोफिनेक सोडियम और आइब्यूप्रोफिन और एनल्जिन, ये ऐसी दवाइयां हैं जो पीड़ाहारी हैं, अर्थात दर्द का निवारण करती हैं और इन्हें खाने की आदत भी नहीं पड़ती है। फिर नंबर 2 पे है स्वपात पीड़ाहारी। इन्हें खाने पर नींद आने लगती है और व्यक्ति इन्हें खाने का हैबिचुअल हो जाता है, बार बार खाता है इन दवाइयों को, ठीक है बेटे। और दर्द तो दूर होता ही है, जैसे मॉर्फिन है, मॉर्फिन एक स्वपात पीड़ाहारी है, इसे खाने की उसे आदत पड़ जाएगी यदि इसे दिया गया, ठीक है। जैसे हेरोइन है, बेथिडीन है, कोडीन है, तो ये ऐसी मेडिसिन हैं या ऐसी ड्रग्स हैं जिन्हें खाने की आदत पड़ जाती है और नींद आने लगती है। अब आते हैं नंबर 6 पर, प्रति सूक्ष्म जैविक या एंटी माइक्रोबायल। नाम से ही पता चल रहा है प्रति सूक्ष्म जैविक का मतलब जो बहुत छोटे छोटे जीवों से होने वाला संक्रमण है, उस संक्रमण को ठीक करने का काम करती हैं। देखो ये सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न संक्रमण को दूर करती हैं, जैसे जीवाणु नाशक। कुछ तो होती हैं जीवाणु नाशक जो जीवाणुओं को मार देती हैं, जैसे पेनिसिलिन, ठीक है। नंबर 2, जीवाणु रोधक जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं, उनकी ग्रोथ को रोकती हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। फिर नंबर 3 पे हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधकता वृद्धि, जो छोटे जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर की बढ़ाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रतिरोधकता वृद्धि, जैसे सल्फोनामाइड। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में बढ़ाते हैं। विभिन्न रोगों से बढ़ने की क्षमता, लड़ने के लिए अपनी पावर को बढ़ाने की क्षमता को ही तो कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर। उसके बाद हम नंबर 7 पे बात करते हैं प्रति जैविक। किसकी बात करते हैं? प्रति जैविक की या एंटीबायोटिक की। देखो बेटे, ये जो आपके पास ऊपर है प्रति सूक्ष्म जैविक, इसका ही एक हिस्सा होता है प्रति जैविक। पहले हम उसे प्रति सूक्ष्म जैविक में ही रखते थे, पर हमने अब उसे अलग ब्रांच बनाया है और वो है प्रति जैविक या एंटीबायोटिक। ये क्या काम करती है? ये सूक्ष्म जीवों के उपापचय को प्रभावित करके उनकी वृद्धि को रोकती हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं जिनके कारण हमारे शरीर में विभिन्न रोग होते हैं, उनके उपापचय को प्रभावित करती हैं, मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी जीव के शरीर में अनेक बनने व बिगड़ने की क्रियाएं होती रहती हैं। बनने और बिगड़ने की क्रियाओं का मतलब है सरल कार्बनिक पदार्थों का आपस में मिलकर जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाना। ये तो बनने की क्रियाएं हैं जिससे हमारा शरीर वृद्धि करता है लगातार। और बिगड़ने की क्रिया जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाना, जैसे डाइजेशन, पाचन। तो इस तरह हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में अनेक बनने और बिगड़ने की क्रियाएं चलती रहती हैं। ये सभी रासायनिक क्रियाएं होती हैं और इन बनने और बिगड़ने की क्रियाओं को कुल मिलाकर हम कहते हैं उपापचय या मेटाबॉलिज्म। ये दो तरह के होते हैं, उपचय और अपचय। बायोलॉजी में आप इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ोगे। पर इसी तरीके से जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर भी उपापचय होता है। तो सूक्ष्म जीवों के उपापचय को प्रभावित करती हैं कौन करती हैं? एंटीबायोटिक। और उनकी वृद्धि को फिर क्या कर देती हैं? रोकती हैं। अब एंटीबायोटिक्स दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं अभी डिस्कस करेंगे हम। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे, एंटीबायोटिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नैरो स्पेक्ट्रम और एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक, अर्थात ऐसा एंटीबायोटिक जो बहुत प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने के लायक हो। यानी वो बहुत सारी बीमारियों में हम एक ही एंटीबायोटिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों को नष्ट करेगी, इसका मतलब अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों को भी दूर करेगी। ठीक है बेटे, इसलिए कहा है इसे विस्तृत स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जैसे क्लोरीन फेनिकॉल जो होता है, क्लोरीन फेनिकॉल, ये टाइफाइड को भी ठीक करता है, पेचिस को भी ठीक करता है, तेज बुखार को भी ठीक करता है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि क्लोरीन फिनिकॉल एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। और बेटे टेट्रासाइक्लिन भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, अर्थात विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक का मतलब होता है ऐसा प्रतिजैविक जो बहुत सारे जीवाणुओं से होने वाले बहुत सारे रोगों के उपचार में काम करता हो, उसे कहते हैं विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। दूसरा होता है संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक, ये केवल एक तरह की बीमारी को ही ठीक कर सकता है। ठीक है, या फिर यूं कह दो एक प्रकार के जीवाणु को ही नष्ट कर सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है केवल एक प्रकार के जीवाणु को नष्ट करती है, जैसे पेनिसिलिन गले की खराश को ठीक करती है। और भी इसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो हर एक बीमारी में अलग अलग एंटीबायोटिक हम देते हैं ना, कि इसे गले में प्रॉब्लम है तो इसे ये वाला एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, इसे कोई स्पेशल बीमारी है तो इसे कुछ स्पेशल एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। जब अलग अलग बीमारियों में अलग अलग एंटीबायोटिक हम देते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि जिस एंटीबायोटिक का हम यूज कर रहे हैं वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, अर्थात किसी एक विशेष बीमारी में ही काम करता है।
और जब कोई एंटीबायोटिक बहुत सारी बीमारियों में काम करता है कि उसे एक्स वाई जेड कोई भी बीमारी है और हम बहुत सारी बीमारियों में किसी एक प्रकार के एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, वो बहुत सारी बीमारियों में काम करता है, तो टेट्रासाइक्लिन को मैं कहूंगा विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है बेटे, तो ये ध्यान रखना है विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का क्या मतलब है और संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का क्या मतलब है। विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बहुत सारी बीमारियों में काम करेगा और संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अलग अलग बीमारी में अलग अलग एंटीबायोटिक काम करेगा। अब आते हैं नंबर 8 पर, पूती रोधी या आप कह सकते हो विसंक्रामी या एंटीसेप्टिक या डिसइन्फेक्टेंट। जब हमारे कहीं खुली चोट लगती है ना, तो खुली चोट में जीवाणुओं को नष्ट करके उनकी वृद्धि या गुणन को रोकती है ये। तो खुली चोट में हम प्रयोग करते हैं जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, जैसे डेटॉल, नाम तो सुना होगा डेटॉल का, चोट लग जाती है तो डेटॉल लगाते हैं हम। तो डेटॉल एक पूती रोधी है या विसंक्रामक है या एंटीसेप्टिक है या डिसइन्फेक्टेंट है, जैसे आयोडीन, मैथिलीन ब्लू, जैसे बाइथायोनल, ये चारों मेडिसिन कैसी हैं, पूती रोधी या विसंक्रामी या एंटीसेप्टिक या डिसइन्फेक्टेंट। ठीक है बेटे, अब आते हैं नंबर 9 पर, प्रतिजनन क्षमता औषधि। प्रतिजनन क्षमता औषधि नाम से ही पता चल रहा है, जनन क्षमता को नियंत्रित करती है, जैसे मालाडी, ओवरल जी, नोविलोन, कैमिलोन आदि। ये ऐसी मेडिसिन हैं जो जनन क्षमता को कम कर देंगी, ठीक है, जिससे जनसंख्या नियंत्रित रह सके। तो बेटे जल्दी से अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे आज हमने पढ़ा है विभिन्न प्रकार की औषधियों के बारे में और इन औषधियों में से छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी हमारी बुक में उदाहरण होंगे या पाठ्य निहित होंगे या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पक्का है बिल्कुल। ठीक है बेटे, बस आज इतना ही पढ़ेंगे, चैप्टर थोड़ा थियोरेटिकल है, समझने का काम कम है और याद करने का थोड़ा ज्यादा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।